हेलो। हाँ तुषार भाई, अरे यार सो रहा था। हाँ मैजिक। अबे यार तू तो मैजिक दिखाने के लिए ही बोल दिया मेरी यार। अरे यार मैं क्या टार्जन बन के लड़ रहा था सबसे। दो मिनट में क्या मैजिक दिखा लोगे भाई? अरे मैं खुद दिखा रहा हूँ मैजिक यहाँ लोगों को 12 साल से। अच्छा आता हूँ, चल आता हूँ भाई। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। और तुषार भाई क्या गाने सुन रहे हो यार? ये अबे ये KL सहगल साहब का पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है। आप तो जानते ही हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। सो थोड़ा इंस्पिरेशन वहां से भी मिलता है। और आप क्या अखिल सर, आप सो रहे थे अभी? अरे हाँ यार, तुमने मेरे को एक मिनट, मैं पहले ये थोड़ा गाना कम कर दूं वॉल्यूम, ताकि आप आराम से बोल सकेंगे। एंड हियर गोज द, आई विल पॉज इट। चलो ये मैं पॉज कर देता हूँ और अब हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। हाँ भाई, तो आप क्या सपने में थे और आप मेरे को क्यों गाली दे रहे थे फोन पे? अरे भैया मेरी लड़ाई चल रही थी कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस के प्रॉब्लम्स के साथ, आपने मुझे जगा दिया। अरे यार सारा संसार कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहा है, तुम डिफरेंशियल कैलकुलस से लड़ाई कर रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ? यार बढ़िया है। अच्छा लड़ाई जीते या नहीं जीते? जीतने वाला था मैं, आपका फोन आ गया। अरे रे सॉरी बट लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग काम के लिए आपको जगाया है और मैंने भी सोचा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम दिख रहा है नंबर थ्योरी से रिलेटेड, और आप क्योंकि नंबर थ्योरी में काफी शौक रखते हैं और काफी बहुत ही झंडे गाड़ रखे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अखिल सर को ये चैलेंज दिया जाए और देखा जाए कि वो इसको क्रैक कर पाते हैं। अरे मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए एक मैजिक है, उस मैजिक को हम लोग अभी खेलेंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या अखिल सर इस मैजिक के कोड को ब्रेक करवाते हैं कि नहीं। देखो मैजिक मैजिक तो कुछ होता नहीं है, आपको भी मालूम है इसके पीछे सारा मैथमेटिक्स ही होगा, लेकिन ये देखना है कि कैसे आप इसको क्रैक करते हैं और फिर कैसे आप हम लोग इसको अपने दोस्तों को भी बताते हैं। तो चालू करें, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ तुषार सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहले आपको दिखा दें कि एक ग्रिड होगा आपके स्क्रीन पर, ये ग्रिड दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है मुझे, 5 ग्रिड दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये बताइए कि इस ग्रिड में आपको क्या दिखता है? इस ग्रिड में तो मुझे दिख रहा है कि आपने सरसों के बीज की तरह नंबर फेंक दिए हैं इधर उधर, सारे इंटीजर्स आपने बिछा दिए हैं। बहुत बढ़िया, तो अब ये बताइए कि इसमें न्यूनतम कौन सा नंबर दिखता है? क्या न्यूटन? न्यूटन नहीं मेरे भाई, न्यूनतम। मैं हिंदी की भाषा प्रयोग कर रहा हूँ अखिल सर। न्यूनतम, अच्छा ये बताइए वाले मूड में गाना वाना हिंदी है। अच्छा शाम के समय यही माहौल बना के मैथमेटिक्स करता हूँ, तो अब बताइए कि इसमें न्यूनतम नंबर कौन सा है? चलिए इसमें न्यूनतम नंबर जो मुझे दिख रहा है तुषार सर वो है 1, और अधिकतम नंबर जो दिख रहा है वो है 31। बहुत बढ़िया, तो 1 से 31 के बीच आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, अभी करना ये है कि मैं आपको बोलूंगा आप एक नंबर 1 से 31 के बीच का एक इंटीजर आप अपने मन में सोचेंगे, वो नंबर मेरे को ना बताइए। जादू ये है कि आपके ये प्रोसेस खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगा कि आपने अपने मन में कौन सा नंबर चुना था। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए मैं तो एक नंबर सोच लेता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि वो जो नंबर आपने सोचा है वो किस किस ग्रिड में मौजूद है? ओके तुषार सर, वो नंबर आपका नोट डाउन कर लीजिए, शायद आप भूल जाए, ग्रिड नंबर 1 में है। ओके बहुत बढ़िया, वो ग्रिड नंबर 3 में है। ग्रिड नंबर 3 में है, बहुत ही शानदार। और वो ग्रिड नंबर 4 में भी है।
ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नंबर को विश्व भर में लोग खतरनाक मानते हैं, और वो नंबर है 13। कैसे? तो ये नंबर है 13, और मैंने कहा था कि जैसे ही आप ये प्रोसेस खत्म करेंगे मैं आपको वो नंबर बता दूंगा। माय गॉड, ये अविश्वसनीय है यार, ये कैसे कर दिया आपने? तो इससे मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने किसी भी नंबर को या किसी भी ग्रिड को कंठस्थ कर नहीं रखा है। इट्स ऑल देयर, आई हैव नॉट बाय हार्टेड देम। सो मैं आपको मैथमेटिक्स के बेसिस से ही बता रहा हूँ। अरे कहीं कुछ कैमरा वगैरह तो नहीं लगाया आपने इसमें? अरे नहीं भाई, कोई कैमरा वगैरह नहीं है इसमें, प्योर और प्योर गणित है, गणित। अरे आप इधर उधर ना देखे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप फिर से ट्राई करो। ओके, तो चलो मैं फिर से एक नंबर उठाता हूँ। चलो ठीक है, देखो। उठा लिया मैंने। उठा लिया, अब आप ग्रिड नंबर बताओ। विशाल सर, वो ग्रिड नंबर 1 में है और वो ग्रिड नंबर 4 में वो संख्या है। ग्रिड नंबर 4 और 1, क्या ये संख्या 9 है? अब तो कुछ मुझे लोचा लग रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। कुछ गड़बड़ नहीं है, आपको मालूम है, आप अगर ध्यान से देखो इसको तो यू विल बी एबल टू ट्रेस द पैटर्न। एंड आई विल टेल यू अ हिंट, द हिंट इज द टेक्नोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं आपस में वार्तालाप करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी में इस पर्टिकुलर पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। आप पता करें, थोड़ा सा स्ट्रेस करें और यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द पैटर्न बिहाइंड इट। तो कौन सा पैटर्न है और क्या है आपको मिल जाएगा। थोड़ा नंबर के पैटर्न को चमका चमका मुझे। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूं, आपके साथ खेलता हूँ। अरे बहुत बहुत ही उम्दा, शानदार। चलो देखें कि कैसे ये। अब आप कोई नंबर चूज की। ठीक है, मैंने नंबर चुना है, चुन लिया। और बताइए किस किस ग्रिड में है तुषार सर? किस किस ग्रिड में है? तो वो है सेकेंड ग्रिड में, उसके बाद वो है थर्ड ग्रिड में, उसके बाद वो है फोर्थ ग्रिड। सेकेंड ग्रिड में, थर्ड ग्रिड में, और फोर्थ ग्रिड में। आपने चूज किया है 1414। ओ माय गॉड, आपने तो सही में क्रैक मार दिया। वेरी गुड, आप इसको कर लोगे और अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। तो एक काम करते हैं, अपने दोस्तों को ये बताते हैं कि ये कैसे काम करता है, और उसके बाद इसके पीछे की मैथमेटिक्स भी बताते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मैथ्स को फन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो आपके बॉल इज इन योर कोर्ट, लेट्स एक्सप्लेन। तो जनता को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है इन ग्रिड्स में, ये काफी सोची समझी एक्चुअली साजिश है। यहाँ पे नंबर को इस तरीके से डाला गया है इन ग्रिड्स में ताकि उनका जो बाइनरी कॉम्बिनेशन है उससे वो नंबर जनरेट हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं नंबर 28, करेक्ट? आप देख पा रहे होंगे कि जो 28 वाली संख्या है वो आपके तीसरे ग्रिड में है, वो आपके चौथे ग्रिड में है, और वो आपके पांचवे ग्रिड में है। अब आप देखोगे इन ग्रिड्स का जो स्टार्टिंग का नंबर है, जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन का नंबर है, अगर आप उनको उठाओगे, जैसे कि मैंने उठाया 4, 8 और 16, तो ये 4, 8 और 16 इन ग्रिड के सबसे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। इनका जब मैंने योग निकाला तब मुझे दिखा कि ये आ रहा है 28, और बेसिकली 28 भी उन्हीं ग्रिड में लाई कर रहा है जिनमें ये नंबर्स मौजूद हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं तुषार सर से इस मैजिक के पीछे छुपी हुई मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, अभी आपने देखा अखिल सर ने आपको ये जादू या मैजिक कैसे करना है इसके बारे में बताया। अब हम समझेंगे कि इसके पीछे एक्चुअली मैथमेटिक्स क्या है। तो अगर आपने देखा होगा, अखिल सर ने एक नंबर लिया था 28, जो कि ग्रिड संख्या 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में है, 4 में है और 5 में है।
ओके नाउ ये दो और एक या दो में नहीं होने का कारण क्या है और तीन और चार और पांच में होने का क्या कारण है और जिसके तहत हम सारे नंबर्स को इस ग्रिड स्ट्रक्चर में अरेंज कर पाए हैं उसका कारण मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप 28 जो डेसिमल सिस्टम नंबर है अगर इसको आप बाइनरी में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1110 राइट 11100 राइट। नाउ दोस्तों ये जो पांच संख्याएं बाइनरी की आपको मिली 0 और 1 ये दर्शाता है कि ये संख्या 28 और 28 किस किस ग्रिड नंबर में मौजूद होगा। तो अगर आप देखें ये 11100 अगर राइट मोस्ट संख्या को मैं कहूं नंबर 1 रोमन संख्या 1 उसके बाद को कहूं सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ एंड देन फाइनली फिफ्थ ओके तो आप देखेंगे जिस जिस ग्रिड नंबर के अगेंस्ट में 0 है उस ग्रिड में वो संख्या मौजूद नहीं होगी और जिस जिस ग्रिड के अगेंस्ट 1 लिखा है उस ग्रिड संख्या में नंबर मौजूद होगा करेक्ट। उदाहरण के तौर पर फिर से 28 ये जो नंबर है इसकी चर्चा करते हैं। 28 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 11100 आता है तो जो लास्ट का 0 है वो इंडिकेट करता है ग्रिड नंबर 1 तो उस ग्रिड में 28 नहीं होगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो 28 जो संख्या है वो ग्रिड नंबर 1 में नहीं होगी। सेकेंडली जो दूसरा नंबर है वो भी 0 है तो इसीलिए दूसरे ग्रिड में भी 28 जो संख्या है वो नहीं मौजूद है। लेकिन तीसरे चौथे और पांचवें ग्रिड के अगेंस्ट जो नंबर लिखी गई है वो है 111 और इसीलिए तीसरे चौथे और पांचवें ग्रिड में आपको 28 मिलेगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इससे और क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं संख्या लेता हूं 31 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो ये आएगा 1111 51 राइट 11111। नाउ अब अगर मैं राइट मोस्ट से ग्रिड संख्या लिखना चालू करूं तो राइट मोस्ट को 1 लिखूं फिर 2 फिर 3 फिर 4 और लेफ्ट मोस्ट को 5th ग्रिड तो अगर आप देखेंगे ये सारी संख्याएं 1 हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो 31 की संख्या है वो हर ग्रिड में मौजूद होगी और आपको इसको पता करने में तकलीफ नहीं होगी। अगर आप देखें हर एक ग्रिड में 31 मौजूद है राइट पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पांचों ग्रिड में आपको 31 नंबर दिखेगा। पूरे डिस्कशन का सार ये निकला आपको नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है जिस और राइट मोस्ट संख्या को ग्रिड नंबर 1 से जोड़ना है और लेफ्ट मोस्ट संख्या को जो पांचवी संख्या होगी अगर कोई संख्या नहीं आ रही है तो वहां 0 लगाना है तो उस पांचवी संख्या के अगेंस्ट में ग्रिड नंबर 5 होगा। तो जिस जिस भी ग्रिड नंबर में 0 लिखा है वहां पे वो संख्या मौजूद नहीं होगी और जिस जिस भी ग्रिड में 1 लिखा है उस ग्रिड में वो संख्या मौजूद होगी। तो इस ये जो पूरा जादू या आप मैथमेटिक्स या मैथमैजिक कह लें ये इसी बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन पे आधारित था। तो ये ट्रिक अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी खेल सकते हैं और अपनी काबिलियत को इनके सामने प्रदर्शित करके वाहवाही भी लूट सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा अखिल सर ने कैसे इस मैजिक ट्रिक को क्रैक किया। लेकिन अखिल सर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। अगली बार मैं एक और ट्रिक आप पे करने वाला हूँ। आपको जितनी लड़ाई इंटीग्रल कैलकुलस के एलिमेंट से करनी है आप कर लो लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपको सोते से जगाऊंगा फिर एक सवाल
यहाँ पे रखूंगा और फिर देखूंगा आप इसको कैसे ट्रैक करते हैं। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये ट्रिक पसंद आया होगा। आप लोग ये ग्रिड का कॉपी ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके आप अपने परिजनों के साथ इसको खेलें, इसके पीछे छुपे हुए मैथमेटिक्स को समझें और अप्रिशिएट करें। दोस्तों मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको अगर आप फन एलिमेंट के साथ करने की कोशिश करेंगे तो वाकई में काफी इंटरेस्टेड होंगे और आप गाना सुनते हुए भी अच्छे अच्छे मैथमेटिकल थॉट्स ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं एक और मैजिक ट्रिक के साथ अखिल सर को चैलेंज करता हुआ, और मुझे उम्मीद है अखिल सर इसको फिर क्रैक कर पाएंगे। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, एंजॉय।